दोस्तों, आप जब भी सफारी करने जाओ जंगल में, आपको हमेशा कोई ना कोई जानवर शिकार करता हुआ देखने को जंगल में आराम से मिल जाएगा, क्योंकि जानवरों को भी जिंदा रहने के लिए रोज खाना खाना होता है। अब जैसे कि कुत्तों का इस शेर को परेशान करना सही था या नहीं, और क्या एक शेर हाथी का शिकार कर सकता है, तो अगर आप ऐसी वीडियो को देखने में इंटरेस्ट लेते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, शेर हमेशा एक्साइटमेंट में आकर टूरिस्ट की कार पर भी हमला कर देते हैं। जैसे कि इस शेर को देखो, जो इस कार को पता नहीं क्या समझ रहा है और बार बार शेर कार को चबाने में लगा हुआ है। वैसे दोस्तों, जंगल में ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है, और अगर टूरिस्ट को सफारी के दौरान ऐसा थ्रिल मिल जाता है तो उन्हें फिर ये सफारी जिंदगी भर याद रहती है। जैसे कि इस क्लिप में शेर इस कार के ऊपर चढ़ा जा रहा है, और इससे आप एक बात का अंदाजा लगा सकते हो कि असल शेर कितने ज्यादा विशाल होते हैं। वहां तो शेर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहां तो शेर इस कार पर चढ़ गया, और कार पर चढ़ने के बाद जंगल में बता रहा है कि अब ये कार मेरी है। लेकिन जब कार चलने लगी तो भाई डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और इसी वजह से शेर डर के मारे कार से उतर जाता है। अब दोस्तों, यहां पर इस एक साल के हाथी को इन शेरों ने बुरी तरह से घेर लिया। अगर आप गिनती करोगे तो ये 14 शेर हैं, जिसमें से एक शेर तो इस बेचारे बच्चे को ऊपर चढ़कर इसे गिराने में लग जाता है, और दूसरे शेर हाथी का पिछवाड़ा नोचने में लग जाते हैं। अब शेर भी क्या करें, हाथी की गर्दन इतनी मोटी होती है कि शेर का पिछवाड़ा नोचना ही सही था, लेकिन फिर भी इतने सारे शेर मिलकर भी इस हाथी को जमीन में गिरा नहीं पाते, और हाथी आखिरकार इनके चंगुल से बच जाता है। अब यहाँ पर ये अकेला शेर इस हाथी पर पीछे से हमला करता है, और कहाँ 14 शेर मिलकर एक हाथी को नहीं गिरा पा रहे थे, और इस शेर ने इस काम को अकेले ही कर दिया। इसका मतलब साफ है कि वो सारे शेर शिकार करने में अनाड़ी थे, और इस शेर को सालों का तजुर्बा था। दोस्तों, वैसे तो शेर हाथी के बच्चे पर तब तक हमला नहीं करते जब तक शेर बहुत ज्यादा भूखा न हो, क्योंकि हाथी पर हमला करने से शेर को भी ज्यादा जान का खतरा रहता है। अब जैसे कि यहाँ पर इस हाथी को इन शेरों ने बड़ी मुश्किल से जमीन में गिरा दिया, और शेर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाथी दोबारा से खड़ा न हो पाए, क्योंकि अगर हाथी खड़ा हो गया तो फिर शेर दोबारा इसे जमीन में नहीं गिरा पाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हाथी की गर्दन बहुत ज्यादा मोटी होती है, जिस वजह से शेरों का गर्दन पकड़ पाना नामुमकिन होता है। इसी वजह से शेर हाथी की सॉफ्ट जगह पर हमला करते हैं, और देखते ही देखते शेर का पूरा परिवार मिलकर इस हाथी को नोचने लगता है, और अब हमें तो नहीं लगता कि ये हाथी बच पाएगा। दोस्तों, इस भैंस को देखो, जिसे ये चार शेर मिलकर गिराने में लगे हुए हैं, लेकिन लगता नहीं कि इस भैंस का आज मरने का मूड है, क्योंकि भैंस के एक ही वार में शेर डर के मारे पीछे हट जाते हैं, और दोबारा शेरों की हमला करने की हिम्मत नहीं होती। अब जब वहां 5 शेर मिलकर दाल नहीं गला पाए, तो फिर 12 शेर मिलकर इस भैंस को मार गिराने की कोशिश करते हैं, और आखिरकार शेर को खाना मिल ही जाता है। यहाँ ये शेर कुछ नहीं तो भैंस के पिछवाड़े पर चमगादड़ की तरह लपटकर उसका खून चूस रहा है, और भैंस बेचारी बहुत कोशिश करती है कि शेर उसे छोड़ दे, लेकिन शेर छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन फिर जब शेर को लगने लगता है कि कहीं बात बिगड़ न जाए और कहीं उसका मुंह न टूट जाए, इस वजह से शेर इस भैंस को छोड़ ही देता है। और आपको इस शेर का दोस्त भी दूर खड़ा दिख रहा होगा, जो कि पहले ही इस भैंस के हाथों बुरी तरह से पिट चुका है। अब यहाँ पर ये दोनों भैंसे जान बचाकर इस शेर से भागती तो हैं, लेकिन एक भैंस को लगता है कि रुककर शेर का सामना करना ज्यादा बेहतर है, और ये इस भैंस की आखिरी गलती थी, क्योंकि शेर भैंस पर कूदते हैं, भैंस रोड पर फिसल जाती है, और अब भला इस भैंस को शेर कैसे उठने दे सकते हैं। दोस्तों, अब इस शेर को देखो, क्योंकि इस जेब्रा को शेर उल्टा लेटा कर खाना ही शुरू कर देता है, और बेचारा जेब्रा भाग भी तो नहीं सकता, क्योंकि शेर ने जेब्रा के दोनों टांगे जो तोड़ दी हैं। अब यहाँ पर ये सारे शेर मिलकर इस जेब्रा को मार गिराने में लगे हुए हैं। दोस्तों, कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि शेर अकेले ही शिकार किसी जानवर का कर लेते हैं, और कहीं कहीं पूरे परिवार के साथ भी शेर को शिकार करने में काफी दिक्कत होती है। आपने जरूर देखा होगा कि जेब्रा कई बार शेर को अपनी लात मारकर वहां से भाग निकाल देता है, लेकिन जेब्रा की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, और अकेले शेर से तो बेचारा जेब्रा बच नहीं पाया, तो अब भला इतने सारे शेर से कैसे बचेगा। अगर आपको अंदाजा लगाना है कि शेर कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो इस क्लिप में शेर इस विल्डर बीस्ट को दौड़ाता है, और कुछ ही सेकंड्स में विल्डर बीस्ट जमीन में और शेर उसके ऊपर होता है, और यहाँ पर तो बस शेर पूरे विल्डर बीस्ट के झुंड को दौड़ाता है, और झुंड में से अपना शिकार पकड़ ही लेता है।
और यहाँ पर भी ये शेर अपने भाई लोग को देखकर विल्डर बीस्ट को एकदम वैसे ही दौड़ाता है। लेकिन कुछ देर में विल्डर बीस्ट उल्टा ही शेर को दौड़ाने लगता है, जो कि काफी अजीब तो था लेकिन अब हो रहा, तो इसमें हम क्या करें। लेकिन यहाँ इस शेर ने तो झाड़ियों में छुपकर एक बार में ही इस विल्डर बीस्ट का काम तमाम कर दिया, और एक बार शेर के मुंह में अगर विल्डर बीस्ट की गर्दन आ गई तो समझो फिर मौत पक्की। वैसे तो शेर हायना पर हमला करना पसंद नहीं करते, लेकिन हायना शेर को इतना ज्यादा परेशान कर लेते हैं कि शेर को हमला करना पड़ता है, और यहाँ भी सेम यही हो रहा है, क्योंकि दोनों शेर मिलकर इस हायना को मौत के घाट उतारने में लगे हुए हैं। यहाँ पर भी ये शेर तंग आकर इस हायना को इतना मारता है कि हायना अधमरा हो जाता है, और आप हायना की चाल से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हायना बहुत ही तबीयत से पिटा है, और शेर भी इस हायना को मारने के बाद बस इसका पीछा करता है, और मारता नहीं क्योंकि शायद शेर को भी इस पर तरस आ गया होगा। लेकिन यहां पर इन दोनों शेरों को इस हायना पर बिल्कुल तरस नहीं आया, क्योंकि इस हायना को तुरंत इन शेरों ने पकड़ा और तुरंत ही मार डाला। अब यहां पर ये चार शेर मिलकर ऐसा लग रहा है किसी को ढूंढ रहे हैं, और कुछ ही देर में हमें पता चलता है कि एक हायना शेर को मुंह में दबाया हुआ है और शेर उसका काम तमाम कर देते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता शेर हायना को खाते भी होंगे, क्योंकि हमने तो ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जिसमें शेर हायना को मारने के बाद खा भी रहा हो। दोस्तों कुड़ू भी एक तरह के एंटीलोप होते हैं और शेर के मनपसंद शिकार में से एक भी होते हैं, और अगर ऐसा न होता तो शेर जल्दी अपने शिकार को पकड़ने के लिए पानी में नहीं उतरते। लेकिन कुड़ू होता ही शेर का इतना फेवरेट है कि शेर को इन्हें पानी में भी घुसकर मारने में कोई एतराज नहीं। यहाँ पर भी ये शेर इस कुड़ू को पानी में पकड़ता है और उसे अधमरा करके पानी से बाहर निकाल लाता है। हमें लगता है बेचारे कुड़ू जान बचाने के लिए पानी में ही भागना सही समझते हैं, लेकिन शेर जैसे खूंखार शिकारी से बच पाना इतना आसान कहाँ है। यहाँ पर शेर छुपकर सही समय का इंतजार करता है, और जैसे ही हमला करता है कुड़ू का एक बच्चा इस शेर के हाथ लग जाता है। अब दोस्तों चाहे शेर अफ्रीका का हो या फिर पहाड़ी शेर हो, है तो वो शेर ही ना, तो फिर ये कुत्ते आखिर इसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। लेकिन फिर भी कुत्ते इसे परेशान करने से बाज नहीं आते, लेकिन फिर भी शेर हमला करने से ज्यादा वहां से भागने की सोचता है, और यहाँ तो शेर पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन फिर भी कुत्ते इसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेते, और यहाँ तो कुत्ते इसे शेर को घेर ही लेते हैं। खैर शेर बहुत शांति से काम ले रहा था, लेकिन आगे की वीडियो यहीं पर कट हो जाती है जब ये शेर के कुत्ते को पकड़कर पहाड़ के नीचे से गिर जाता है, और आगे क्या होता है हमें नहीं पता। दोस्तों ये जो पहाड़ी शेर या फिर प्यूमा जहां पाए जाते हैं वहां पर गुआंको नाम के जानवर भी पाए जाते हैं, और जैसे अफ्रीका में हिरण का शिकार शेर करना पसंद करते हैं, वैसे ही यहाँ पर गुआंको अक्सर शेर का शिकार होते रहते हैं। अब जैसे कि ये शेर एकदम छुपते छुपाते इस गुआंको का शिकार करने के लिए जाता है, लेकिन हमला करते ही गुआंको भी पूरी ताकत से हमला करता है, जिससे शेर की पकड़ गुआंको पर से छूट जाती है, और अब शेर को फिर से नया शिकार ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जल्दी ही शेर को नया शिकार मिल जाता है, और इस बार शेर ने गुआंको के बच्चे पर हमला करना सही समझा, क्योंकि बच्चे का शिकार करना शेर के लिए बहुत आसान था। अब यहां पर ये शेर ने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए गुआंको को मार गिराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गुआंको साइज में इस शेरनी से 3 गुना बड़ा था, और लाख कोशिश करने के बाद भी शेर की दाल नहीं गलती। उल्टा शेरनी इस पर हमला करने की वजह काफी बुरी तरह से घायल भी हो जाती है, और दोनों बच्चे माँ के साथ हमला करने के लिए अभी काफी छोटे भी हैं, लेकिन गुआंको तो अपनी जान बचाने में कामयाब ही हो जाता है। दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाली ये पहाड़ी शेरों का सामना सिर्फ गुआंको से नहीं होता, बल्कि कई बार इनका सामना भालुओं से भी हो जाता है। अब खैर ये भालू तो काफी छोटा है, लेकिन हम इस भालू को देखें तो ये काफी बड़ा, जिस पर शेर बार बार हमला तो करता है, लेकिन भालू भी वहां से पीछे नहीं हटता, और आखिरकार शेर को ही पीछे हट जाना बेहतर लगता है। अब आप यहाँ पर देखो कि असल में एक भालू शेर से कितना ज्यादा बड़ा होता है, और आप खुद ही सोचो क्या इसे शेर का इस भालू से पंगा लेना सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।